अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ, मैं बना रही हूँ आज मोमोस, जो हम बनाएंगे चिकन से। तो यहाँ मैंने ये चिकन लिया है, मेरे पास में ये रखा था, तो अभी ये कम से कम 150 ग्राम जितना चिकन है तो मैं ये ले रही हूँ। और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और थोड़ी सी कैबेज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, प्याज को भी चॉप कर लिया है। तो पहले हमें क्या करना है कि चिकन को मिक्सी में लेके इसका कीमा कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने मिक्सी में डाल दिया है, और मिक्सी को आप ना बंद चालू करके चलाए ताकि आपकी मिक्सी भी ख़राब ना हो। तो देख सकते हो एकदम महीन मैंने इसको पीस लिया है। अभी मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। तो इसे एकदम बारीक मैंने पीस के लिया है मिक्सी में। अगर आप बाहर से कीमा ला रहे हो तो चिकन का, तो आप वहाँ रेडीमेड कीमा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास एक चिकन रखा था तो मैंने घर में ही इसका कीमा बना लिया। और ये देखिए मेरे पास एक कढ़ाई है, इसमें मैंने हल्का सा तेल डाला था आधी चम्मच के करीब, और उसी तेल में प्याज को थोड़ा सौटे कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सॉफ़्ट हो जाए। तो मुझे प्याज ना बहुत ज़्यादा इसे कच्ची अच्छी नहीं लगती है, तो मैं इसीलिए कर रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आता है प्याज का क्रंची तो आप इस तरीके कच्ची प्याज भी मोमोज में ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसे हल्का सा सॉफ्ट करके डालूँगी। तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुकी है, अब बस इसे मैं साइड पे रख दूँगी और अभी हम आगे की तैयारी करेंगे। चिकन में हमें मसाला मिलाना है, तो हम चिकन में मसाला मिला लेते हैं। तो देखिए, तो मैंने चिकन लिया है, तो अभी मैं चिकन के अंदर ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च जो मैंने ली है आधी चम्मच के करीब, और मैं नमक इसमें ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो स्वाद अनुसार। तो ये नमक मैंने आधा चम्मच के करीब डाल दिया। अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी सोया सॉस, तो एक चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, और इसी के साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरी मिर्ची का पेस्ट। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये कैबेज, देख सकते हो। और अभी मैं इसके अंदर वो जो मैंने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट किया था तो वो प्याज भी डाल देंगे, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन भी ऐड कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को, ये प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हो, तो मैंने सब चीज़ें अंदर डाल दी, और ये ऊपर से मैं थोड़ा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले सभी मसालों को एक साथ, ये देख सकते हो। बस इसी तरीके से अगर आपको शिमला मिर्च, जो भी सब्ज़ी आप इसमें ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो। आप वेज में बना रहे हो तो वेज में भी इसी तरीके से आपको जो भी वेज चाहिए आप वो सब सब्ज़ियाँ कट कर ले, और उसमें इस तरीके से जो मसाला मैंने डाला है यही मसाला उसमें डालकर आप इसे, मैं 10 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी ताकि सब मसाले अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। और अभी मैंने लिया है ये बाउल, और ये देख सकते हैं मैंने एक कप के करीब मैदा लिया है। मैदे में आप डाल दो एक चौथाई चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसमें एक चम्मच के करीब मैं ऑयल भी ले लूँगी, इससे क्या होगा मोमोज एकदम सॉफ्ट और स्मूथ, उसकी स्किन जो रहेगी ना वो एकदम स्मूथ बनेगी। तो देख सकते हो मैं एक चम्मच के करीब इसमें ऑयल डालूंगी, और इसका एक कप एकदम स्मूथ सा डो, ज़्यादा भी टाइट नहीं और ज़्यादा लूज नहीं, एकदम जो हम रोटी बनाने के लिए डो यूज़ करते हैं बस वही वाला डो हमें इसका बना लेना है। तो देख सकते हैं मैं नॉर्मल पानी से ही गूंद रही हूँ, कोई मैंने ठंडा गर्म पानी नहीं लिया है, रूम टेम्परेचर पर जो होता है तो बस वही पानी से। ये देख सकते हो इस तरीके का मैंने डो रेडी कर लिया। अब ये डो को हम लोग 10 मिनट के लिए साइड पे कर देंगे, ये देखिए। और इसे 10 मिनट हो चुके हैं, मैं अच्छे से इसे मसल लूँगी। ये देखिए अच्छे से इसे 2-3 बार इस तरीके से मसल ले, ये देखिए कितना लम्ब रहा है। इस तरीके का ही हमें डो चाहिए, ये देख सकते हो। तब इस डो में से मैं छोटी छोटी सी लोई ले लूँगी और इसे बेलूँगी। तो पहले हम लोग इसकी लोई बना लेते हैं, आप अपने हिसाब से लोई ये रख सकते हो छोटी बड़ी, लेकिन मोमोज के लिए छोटी ही लोई ले लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो बेलने में और मोमोज बनाने में भी आसानी हो। और हमें एकदम पतली रोटी बनानी है, छोटी सी पतली रोटी बना लेनी है। तो ये देख सकते हो मैं यहाँ पे से पतला पतला बेल लूँगी, ये देखिए। और ये भी मैंने नेक्स्ट टाइम बनाया है, इससे पहले एक बार मैं बनाई थी तो बहुत घर में पसंद आया था सबको, तो फिर मैंने सोचा कि इस बार मैं चिकन का बनाती हूँ और आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो देख सकते हो बस इस तरीके से
पतला पतला सा इसे बेल ले। और ये बहुत अच्छा बना था, फर्स्ट टाइम भी मैंने बनाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। मैं अभी नेक्स्ट टाइम भी ट्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हो, ये सब चीज़ें अभी ट्रेंड में चल रही है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। रोटी देखिए कितनी पतली है, ट्रांसपेरेंट टाइप रोटी होनी चाहिए। ये देखिए बस इस तरीके से। और जो हमने चिकन का बैटर बना के रखा है ये देखिए, अब वो इसके अंदर आप एक चम्मच की मदद से, जो भी आपको ज़्यादा बैटर डालना हो कम डालना हो, लेकिन आपको ये एक साइज़ परफेक्ट ये कर ले कि बस ये मेजरमेंट हमको रखना है, तो आप उसी हिसाब से डालिए। तो मैं ये एक चम्मच के हिसाब से ही डाल रही हूँ, ये देख सकते हो। अब इसे फोल्ड करना मैं आपको बताती हूँ। मैं भी इतनी कुछ फास्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे आता है वो हिसाब से, ताकि आप लोग को भी थोड़ी आइडिया मिल जाए। क्योंकि मोमोज़ ऐसी आइटम है कि हम रोज़ रोज़ नहीं बनाते, रोज़ रोज़ नहीं खा पाते, तो थोड़ा हाथ पे ये मुश्किल होता है बैठना, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए। ये देखिए, तो मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ। ये देखिए, तो बस इस तरीके से। ये देखिए, तो अभी मैं इसके साइड से इसे इस तरीके से चिपटियाँ वाली एक ये बना दी है मैंने। और ये जो इधर का साइड है इसे मैंने खुला छोड़ा था, और ये इसे इस तरीके से, अगर ये नहीं चिपक रहा है तो आप पानी भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लगाया। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं चिपक रहा है तो आप पानी भी लगा सकते हो। तो ये देखिए, तो ये मेरा मोमोस जो है कुछ इस तरीके का शेप इसका आया है, देख सकते हो। शेप कोई मैटर नहीं करता है इसके अंदर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो मोमोज़ की चटनी होती है उसके अंदर भी एक, उसमें जो जान होगी ना, तो मोमोज़ कैसा भी हो आप उसे बहुत शौक़ से खाओगे। तो मैं आप लोगों के साथ आज चटनी भी शेयर करने वाली हूँ। ये देखो, ये एक मोमोज़ मैंने इस तरीके का गोल बनाया है, देख सकते हो आप लोग। तो इसकी जो चटनी है ना, ये चटनी आप लोग बहुत पसंद करोगे। आप पराठों के साथ भी, जो भी आप जैसे बनाओगे सैंडविच वगैरह, उसके साथ भी आप ये चटनी बहुत पसंद करने वाले हो। तो देखिए, मेरे पास ये इडली मेकर है, तो ये मैंने यहाँ रख दिया है। और ये इस तरीके का स्टैंड है, अगर आपके पास बारीक बारीक जाली वाली जो होती है प्लेट, अगर वो है तो वो और भी अच्छी रहेगी, लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। ये देख सकते हो, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखिए, तो मैंने इसके अंदर पानी, जो इडली का मेरा ये है कुकर, उसके अंदर मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था, और ये पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्लेट रख दूँगी, ये देख सकते हो, स्टीमर की जाली मैंने इसमें रख दी है। तो कम से कम हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है, धीमी मीडियम आँच पर बस। और फिर ये जैसे ही ऊपर की स्किन इसकी ट्रांसपेरेंट लगे तभी इसे निकालना है। और अभी मैंने साइड में पानी गर्म करने रख दिया था, और मैंने ये छोटी साइज़ के टमाटे थे तो 4 लिए हैं। अगर आपके पास में बड़ी साइज़ के टमाटे हो तो आप 3 ले सकते हो, तो ये देख सकते हो। और इसके अंदर मैंने तीखी वाली जो लाल मिर्च होती है, सूखी लाल मिर्च, तो वो ऐड किया है इसके अंदर। तो देखिए, जैसे हम टमाटर सॉफ्ट होने लगेंगे, इसकी स्किन निकलने लगेगी, तो हमें फ़ौरन इसे निकाल लेना है और छन्नी में इसका पानी छान के इसे ले लेना है। और अब मैं इसकी स्किन निकालती जाऊंगी। ये देखिए, तो टमाटर का जो छिलका है वो हमें निकाल लेना है, ये देखिए। और ये चटनी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप हमेशा बनाओगे ये चटनी, क्योंकि ये चटनी मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, ये देख सकते हो। अब ये चटनी मैंने मिक्सी के अंदर इसको पूरा ठंडा कर लेना है, उसके बाद मिक्सी में डाल के पीसना है। और ये मैंने पीस लिया है, ये देखिए, बस इस तरीके का एक पेस्ट बना लेंगे। और अब यहाँ पर मैं एक बर्तन में तेल गरम कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक चम्मच तेल डाला है, और मैंने 5 से 6 लहसुन लिए थे, इनको हल्का हल्का क्रश किया हुआ है। आप काट कर ना डालें, उसको क्रश कर ले, ताकि इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। काट के डालने में और इस तरीके से यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टेस्ट का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये देखिए, ये लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ये सॉस डाल दूँगी, जो हमने अभी मिर्ची और टमाटर का पीस के लिया है बैटर। और ये देखिए, बस इस तरीके से इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ताकि इसके अंदर जो पानी है वो थोड़ा सा सूख जाए और चटनी एक थिक फॉर्म में आ जाए। तो देख सकते हो आप लोग, चटनी में एक, ये देखिए, अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ
सोया सॉस और आधा चम्मच के करीब ही मैं इसमें ऐड करूँगी विनीगर, और इसमें थोड़ा सा नमक डाले, और जो जार में पानी था वो मसाला मैंने पीसा था उसी के अंदर मैंने पानी लेके इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि मसालों के साथ ये और 2-3 मिनट पक जाए। और इसमें मैंने डाल दी है 1 चम्मच शक्कर। आपको अगर शक्कर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन शक्कर डालना ज़रूरी है क्योंकि चटनी का जो टेस्ट है ना वो शक्कर से ही आएगा। और अभी मैंने यहाँ 2 चम्मच टमाटो सॉस भी डाल दिया है जी, टमाटो सॉस से एक बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आएगा, तो ये देखिए, और एक थिकनेस भी इसकी बनी रहेगी टमाटो सॉस से। ये देखिए अब ये चटनी भी हमारी रेडी है। ये देखिए अब स्टीमर में खोल लेती हूँ, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, और हुम्मस जो है वो रेडी है माशाल्लाह, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी, और बारिश में गरम गरम मोमोज़ खाने मिल जाए तो बहुत ही मज़ा है। ये देखिए मेरे मोमोज़ रेडी हो चुके हैं, इनके शेप पे मत जाइएगा, बस हमें मोमोज़ खाना है तो इन्जॉय कीजिए, खाइए, शेप कुछ डिपेंड नहीं करता है कि ऐसा है वैसा है। ये देखिए, लेकिन बस एक ये होता है कि हाँ हमने मोमोज़ बनाया, वो एक अलग खुशी होती है, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए मैं अभी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, काफ़ी गर्म है, मैं इसे पकड़ भी नहीं पा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा गर्म है मोमोज़। ये देखिए चटनी का कलर भी देख सकते हो, और मोमोज़ में जो एक शाइनिंग आई है वो देखिए आप, बस इस तरीके का एक शाइन आना चाहिए। तो अभी मैं इसे, बहुत ज़्यादा गर्म है ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए, और चिकन भी पूरी तरीके से पक चुका है अंदर। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है, क्योंकि मोमोज मेरे फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, तो अभी मैं इसे टेस्ट करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके लाइक सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। और ये मेयोनीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन, और ये चटनी के साथ, तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।